जब से इस मूवी का ट्रेलर आया था मैं तब से एक्साइटेड था इस मूवी को देखने के लिए। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा आर्मी ऑफ डेड मूवी के बारे में, जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया है और तकरीबन ये मूवी 2.5 घंटे लंबी मूवी है। इसे डायरेक्ट किया है जैक स्नाइडर ने और इसके अंदर मेन कास्ट है डेव बटिस्टा। ये WWE में आया करते थे, मुझे काफी ज्यादा पसंद थे। अब पता नहीं आते या नहीं आते क्योंकि मैंने WWE देखना छोड़ दिया। इनके अलावा और भी अदर कास्ट है लेकिन उनके नाम इतने डिफिकल्ट है कि मुझसे वो प्रोनाउंशिएट नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने सोचा इन्हें स्किप कर दें और मैंने स्किप कर दिया। तो अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो इसके ट्रेलर में इसकी कहानी बता दी गई थी कि ज़ॉम्बीज जो हैं वो एक शहर के ऊपर, वैसे आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं, टेंशन ना लेना कोई स्पॉइलर नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग में एक ताकतवर ज़ॉम्बी दिखाया जाता है लेकिन वो कहां से आया, किसने उसे बनाया, देखो ये तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि वहीं से इसकी शुरुआत होती है। ये काफी ज्यादा समझदार है, फुर्तीला है, पावरफुल है और इसी एक ज़ॉम्बी की वजह से पूरा लास वेगास जो है वो पूरा का पूरा ज़ॉम्बीज में तब्दील हो जाता है। और इसी शहर में एक तिजोरी है जिसमें $200 मिलियन है, जिसका एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है डेव बटिस्टा को। कहा जाता है कि अगर तुम यहां से पैसे लेके आ जाते हो तो तुम्हें भी इसमें से कुछ हिस्सा मिल जाएगा। और ये अपनी एक टीम बनाते हैं, फिर ये अपनी एक टीम बनाकर इन ज़ॉम्बीज के बीच में पहुंच जाते हैं वो पैसा निकालने के लिए। अब वो पैसा निकाल पाते हैं, कितना निकाल पाते हैं या फिर कुछ और नई चीजें होती हैं, देखो इसके लिए तो आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी। और अब बात कर लेते हैं कि ये मूवी बाकी की ज़ॉम्बीज मूवीज से कैसे अलग है। दरअसल इतनी ज्यादा ज़ॉम्बीज मूवी आ चुकी है कि जब भी कोई नई ज़ॉम्बी मूवी आती है तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि यार इसके अंदर वायरस कैसे फैला होगा, इसके अंदर कहानी क्या रही होगी। तो इसमें हमें कुछ नया देखने की इच्छा होती है कि यार इसमें कुछ नया देखने को मिले। अगर वही सेम कॉन्सेप्ट है तो यार फिर फायदा ही क्या है एक और नई ज़ॉम्बी के ऊपर मूवी बनाने का। और जो इस मूवी के अंदर जो नयापन दिखाया गया है, इसके अंदर जो ज़ॉम्बीज हैं वो खुद की उनकी एक सोच है, वो फैमिली बना रहे हैं यार, मतलब ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट लगा, अच्छा भी था वियर्ड भी था। पर इस मूवी को कलरफुल रखा गया है, ज़ॉम्बीज फैशन वाले इसके अंदर दिखाए गए हैं और बस इतना ही नयापन। इसके अलावा तो देखो यार इसमें फाइटिंग सीक्वेंस जो है वो स्टार्टिंग में एक फाइट होती है जब डेव बटिस्टा अपनी टीम के साथ इन ज़ॉम्बीज के बीच में जाता है, तो एक जो फीमेल करेक्टर है इसके अंदर उसकी फाइट होती है, उसको देखकर शुरू में लगता नहीं कि यार ये हाँ इन ज़ॉम्बीज को मार पाएगी, बिल्कुल ऐसे फुकरीपंती वाली वहां पे वो फोटो खिंचवाना, वो स्टार्टिंग में फोटो खिंचवा रहे होते हैं, तो मुझे लगा कि यार नहीं यार ये नहीं मार पाएगी। लेकिन जो उस लेडी ने फाइट वहां पर की है ना, मतलब सांसें रुक जाती थी क्योंकि यार ये अभी भी हार नहीं मान रही है, एट द एंड उसने कहीं पर भी हार नहीं मानी। लेकिन फिर मतलब मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ, बट वो वाली फाइट मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। इस मूवी की स्टोरी एवरेज ही है, देखा जाए तो $200 मिलियन चुराने हैं, मतलब चुराने क्या लेकर आने हैं ज़ॉम्बीज के बीच में से। अब वो ज़ॉम्बीज जो है वो ताकतवर है, फुर्तीले हैं, सो सकते हैं, ये एक डिफिकल्ट पार्ट इसके अंदर डाला गया है। इस मूवी के अंदर इमोशनली भी कनेक्ट करने की कोशिश की है लेकिन वो इतना कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, ज्यादा लेंथी होने के कारण हम कहीं कहीं पर इसमें बोर होने लग जाते हैं। और इस मूवी को देखते वक्त ऐसा लगता है कि हाँ मेकर्स ने मेहनत की है हमें इससे कनेक्ट करने की, लेकिन कुछ ऐसे सीन थे वाकई में अगर वो नहीं होते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको ऐसा लगा कि जानबूझकर ऐसे डाला गया है इसको लेंथी बनाने के लिए। और ये जो मूवी है वो प्रिडिक्टेबल होने के कारण भी हमें थोड़ी बहुत निराश कर देती है, हमें पता चल जाता है कि इसमें आगे क्या होने वाला है। देखो इसमें कोई नया सस्पेंस, सच कहूं इसमें कुछ भी सस्पेंस जैसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी मूवी खराब है, मैंने तो इतनी सारी बुराइयां गिरा दी, मूवी अच्छी है। इसका फाइटिंग मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, जैसे मैंने एक फीमेल कैरेक्टर का बताया, फिर डेव बटिस्टा एक ज़ॉम्बी से लड़ते हैं वो काफी फुर्तीला होता है, बढ़िया वो फाइट थी, बहुत अच्छी लगी मुझे। और एक इसका लास्ट का जो हेलीकॉप्टर वाला जो सीन है, राधे मूवी वाली बात नहीं कर रहा हूं, इस मूवी के अंदर बात कर रहा हूं आर्मी ऑफ द डेड मूवी इसके बारे में बात कर रहा हूं, जो इसका हेलीकॉप्टर वाला सीन है काफी ज्यादा मुझे पसंद आया, बहुत बढ़िया था। और इसके अंदर VFX भी बहुत ज्यादा कमाल के रखे गए हैं, वॉयलेंस बहुत ज्यादा है, चीर फाड़ इतनी ज्यादा दिखाई गई है, वो तो देखो यार ज़ॉम्बी की मूवी है और वो चीज तो दिखानी जरूरी ही थी। लेकिन जितनी उम्मीदें इस मूवी से मैंने लगाई थी उस पर ये खरी नहीं उतरती, सच कहूं कि आप लोग भी इसको 1 time से ज्यादा कंसिडर नहीं करने वाले हो। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 6.5 out of 10 star। अगर आप लोगों ने ये मूवी देख रखी तो प्लीज बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। पर अब बात करें हिंदी डब और इंग्लिश वर्जन के बारे में, देखो मुझे हिंदी डब ठीक ठाक ही लगी, डेव बटिस्टा का जो डबिंग की गई है हिंदी में वो मुझे उतनी सूट नहीं कर रही थी उस शरीर के ऊपर। आप देखो यार डेव बटिस्टा का शरीर, उनके आवाज में मुझे वो कहीं पर ही सूट नहीं कर रही थी, तो मैंने इसे इंग्लिश में ही अच्छा लगा, मुझे इंग्लिश में मैंने इसको देखा तो मुझे हिंदी वर्जन तो इतना पसंद नहीं आया। और इस मूवी के अंदर एडल्ट सीन है स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिल जाएंगे और वॉयलेंस तो बहुत ज्यादा है क्योंकि ज़ॉम्बी मूवी है, वॉयलेंस ना हो तो यार ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जिन्होंने देख लिया तो प्लीज कमेंट करना कि आपको इस मूवी के अंदर अच्छा क्या लगा और बुरा क्या लगा। और अगर जिन्होंने नहीं देखी तो आपको एक नए टाइप की मूवी देखनी है जिन उसमें ज़ॉम्बीज की, तो आपको थोड़ा बहुत नयापन इसके अंदर देखने को मिल जाएगा कि जिसमें ज़ॉम्बीज सोच पा रहे हैं। देखो इसमें कोई स्पॉइलर नहीं है, ये तो ऑलरेडी जो है ट्रेलर के अंदर दिखा दिया जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज्यादा नहीं बताऊंगा, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।